करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन, तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला,
1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना केसेस का घोटाला, छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है।